लाहौर हाईकोर्ट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रिलीफ। हाईकोर्ट ने लेस्कोर एफबीआर को बिजली के बिलों में इनकम टैक्स वसूली से रोक दिया। हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए लेस्कोर एफबीआर से जवाब तलब, जीरो रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनकम टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौके। सेशन अदालत ने 4 बजे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। एडिशनल सेशन जज अमरीन गुल ने खातून किरण की बच्चों की हवालगी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर बाप बच्चों को लेकर सेशन अदालत पेश हुआ। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज, सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 400 रुपए इजाफा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 79,150 रुपए हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 81,720 रुपए। रेलवे हुकाम की जानिब से ट्रेनों का शेड्यूल बहाल न किया जा सका। कराची और दूसरे शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची एक्सप्रेस 8 घंटे, पाक बिजनेस 6.5 घंटे, शाह हुसैन 6 घंटे ताखीर का शिकार। अवामी अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी लेट। इधर लाहौर आने और जाने वाली 20 प्रवासें मुतासर। 12 मनसूख और 8 ताखीर का शिकार। कराची और इस्लामाबाद जाने और आने वाली प्रवासें भी मनसूख। मदीना और बहरीन से आने वाली प्रवासें ताखीर का शिकार। शहर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम आज से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम में 5,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। 5 साल से कम उम्र 18 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की इंसदाद पोलियो के लिए भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। कहते हैं, इंसदाद पोलियो के लिए इकदाम में गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कौमी टीम की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का आज आखिरी दिन। वकार यूनिस और साबिक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डीन जोंस भी कोचिंग के दौर में शामिल। मिसबाह उल हक ने अभी तक कोचिंग के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करवाई। मिसबाह उल हक मुशावरत के बाद आज शाम तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं।